नमस्कार, मैं उषा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। जगदलपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राहुल गांधी के समर्थन में सोशल मीडिया पर वीडियो कैंपेन किया जा रहा है। बता दें कि इस कैंपेन में बस्तर के सांसद, विधायकगण, महापौर, जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों सहित सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। रायपुर में युवाओं को मासिक बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा के बाद अब रकम जारी होने की तिथि का ऐलान भी कर दिया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के रूप में हर महीने 2500 रुपए दे रही है। सरकार ने कहा कि जो युवा अप्रैल में किसी भी वक्त योजना के आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने भत्ता राशि देने के लिए 31 मार्च को ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा साथ युवाओं के साथ है। एम्प्लॉयमेंट में लोगों का अलाउंसेस देने का ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन हम लोगों के पास अगर सब स्किल्स है तो फिर हम लोग सिर्फ अलाउंसेस के भरोसे क्यों रहे? हम लोगों को जॉब्स क्यों नहीं मिल रही? वो सारी फैसिलिटीज़ अगर हमको प्रोवाइड की जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। स्टार्ट किया गया है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयस मिलेगा, तो ये हम लोग को बहुत अच्छी बात है, हम लोग को बहुत फ़ायदा हो रहा है। 2500 पर मंथ कोई बुरी बात नहीं है, बट हम लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो हम लोग इससे ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू बहुत अच्छी बात है जो हम लोग को ये मिला है, बट एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हम लोग को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए। वो तो बहुत अच्छा बात है जब 2500 मिल रहा है पर मंथ, पर जब हमारे पास स्किल है, हम इतना पढ़ लिख के आगे बढ़े हैं, तो उससे गवर्नमेंट अगर हमको जॉब प्रोवाइड करे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम 2500 से क्या ही कर लेंगे। अच्छी बात है, पर अगर ज़्यादा अगर जॉब मिल जाए हम आगे और बहुत ग्रो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जब छत्तीसगढ़ में शासन संभाला उस समय प्रदेश में 18% बेरोजगारी दर थी। सबसे पहले हमने काम किया बेरोजगारी दर घटाने में। आज देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। हमने वादा किया था चुनाव में कि बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, आज वह पूरा हो रहा है। आज आप देखिए, जिसे पूरी दुनिया मूर्ख दिवस के रूप में मनाती है, आज उस दिन को मिथ्या साबित करते हुए भूपेश बघेल ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए आज के दिन से छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया था और आज के दिन से उन्हें आवेदन भी वो कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश सरकार बनने के पहले मैनोफेस्टो में इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, परंतु इनको 4.5 साल बाद याद आया बेरोजगारी भत्ता देने के लिए। इन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव पास किया, उसके बाद इन्होंने इतनी सारी नियम कानून को ले के साथ में आए हैं कि ये बेरोजगारी भत्ता देने के मूड में ही नहीं है। जैसे देखा जा रहा है कि इनका कहना है कि जिसके घर में कार है, जिसकी आय अधिक है, या जिसके घर में पेंशन आ रही है, जिसके माँ बाप रोजगार में है, सरकारी नौकरी में है, उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे ही। आज घोषणा किया है और आज से उसकी शुभ तिथि प्रारंभ हो रही है, उसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है छत्तीसगढ़िया सरकार को कि उन्होंने देर से आए पर दुरुस्त ये कहेंगे। परंतु इसमें भी एक बड़ा विडंबना ये है कि इसके जो नियम है वो बेहद ही कठोर है, तो सरकार से यही मांग है कि यदि इस नियम में कोई भी प्रकार का कोई अगर छूट प्रदान कर सके सरकार तो अवश्य करे। और सबसे बड़ी जो मार्किंग पॉइंट है वो ये है कि 2 साल पूर्व का जो पंजीयन मांगा गया है, यानी कि आप 2021 की बात कर रहे हो जनवरी में, उस समय भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन जैसी स्थिति थी। सबको पता है रोजगार पंजीयन ऑनलाइन तो आप करते हैं, पर फिजिकल वेरिफिकेशन के बिना वो रजिस्ट्रेशन जिंदा नहीं रहता था। इस वित्तीय वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपने बजट में सिर्फ युवाओं के लिए 250 करोड़ का प्रावधान रखा है, जबकि उनके चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया था कि 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन उन्होंने इसमें नियम और शर्तें इतनी कठिन और इतनी कड़ी बनाई है कि जिसमें छत्तीसगढ़ का केवल 100% में 1% युवा ही पात्र बन पाएगा। जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ये जितने भी पेशेवर पंजीबद्ध है, ये जो काम करते हैं, इनमें से कोई भी पात्र नहीं होगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा। अभी वर्तमान स्थिति में 18 लाख से प्लस बेरोजगार यहाँ पे निवासरत है और उन बेरोजगारों को भत्ता देके उनको तंग बनाया जा रहा है। सरकार का ये बहुत बड़ा ये गलत तरीका है। इसमें अगर इनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जिसकी उम्र सीमा तय की गई है 35 वर्ष, उसके बीच में उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, क्या उस राशि में उनके पारिवारिक जो खर्चे हैं क्या निपट सकते हैं? उनको काम से रोका जा रहा है,
और मेरे हिसाब से तो अभी जब सरकार बनी थी तो उन्होंने घोषणा की थी कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आज तक किसी भी विभाग में कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं दिए हैं, न क्लियर किए हैं कि किसी को रोजगार मिला हो। सूरजपुर में पंचायत सचिवों के हड़ताल को 20 दिन होने को हैं, जहां 16 मार्च से अपनी शासकीयकरण की एक सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं सचिवों ने आज 24 घंटे में काम कर वापस जाने के आदेश की प्रति को जलाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कांग्रेस सचिव और जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि अखिलेश प्रताप सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि भैयाथान ब्लॉक के धरना स्थल पहुंच सचिवों से मिले और कहा कि हड़ताल से पंचायत के सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं सरकार से सचिवों की मांग पर विचार कर जल्द इसका निराकरण करने की मांग करते नजर आए। दूसरी तरफ सचिव अपनी एक सूत्री मांग को पूरा ना होने पर आंदोलन जारी रखने की बात भी करते नजर आए। 19वां दिन है और इस 19 दिन के हड़ताल में जो पंचायत की मूलभूत योजनाएं हैं शासन की, वो सारी प्रभावित हो रही हैं। आम जनता की जो कार्य है, मुख्य रूप से सचिवों के ऊपर की जो जवाबदारी है, वो बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। मैं चाहूँगा कि शासन इनकी मांगों को सुने, समझे और जितना जल्दी हो सके त्वरित निराकरण करें। और हम समस्त जनप्रतिनिधि जनपद के सचिवों की मांग में सचिव लोगों के साथ खड़े हैं। आज 19वां दिन है, शासन को पंचायत सचिवों की कमी खल रही है, पंचायतों में कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एक आदेश अभी हुआ है 24 मार्च को, जिसमें पंचायत सचिवों को 24 घंटे के अंदर अपने काम में लौटने के लिए निर्देश जारी हुआ है। इसी आदेश की प्रति को आज हम उस आदेश का विरोध कर रहे हैं और उसकी प्रति को हम जला रहे हैं। कबीर धाम में होम थिएटर से नवविवाहिता युवक सहित युवक के भाई की जान लेने वाले प्रेमी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बता दें कि आरोपी ने अपनी प्रेमिका की शादी में दूल्हे को बारूद से भरा विस्फोटक होम थिएटर गिफ्ट किया था, जिसके फटने से नवविवाहित युवक सहित भाई की मौत हो गई थी। पूरा मामला थाना रेंगाखार क्षेत्र के ग्राम चमारी का है। वहीं इस विस्फोट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामले में शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जो दुल्हन है, दुल्हन के साथ में संबंध रखने वाला एक आरोपी संजू मरकाम को गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा जब शादी नहीं किया गया लड़की के द्वारा इसके साथ में, तब साजिश के तहत में तैयार एक आईडी तैयार किया गया, जिस पर अमोनियम नाइट्रेट और फटाके का बारूद व पेट्रोल मिला करके एक साउंड सिस्टम रहता है उसमें। जगदलपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर युवक कांग्रेसियों ने जय भारत सत्याग्रह की शुरुआत की। बता दें कि इस आंदोलन में पोस्ट कार्डों के माध्यम से पोस्ट कर देश के प्रधानमंत्री से मात्र 3 बिंदुओं पर सवाल पूछे जाएंगे। वहीं बस्तर जिला युवक कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में पोस्ट कार्ड लॉन्च किया गया। युवक कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष मोहन पाणी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस जय भारत सत्याग्रह अभियान के तहत 1 लाख से अधिक पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे छत्तीसगढ़ से भेजे जाएंगे, जिसमें ये 3 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि है, आज अडानी ने बीजेपी को कितना करोड़ फंड दिया? दूसरा सवाल, आपके आधिकारिक विदेश दौरे पर पश्चात आज तक आपके मित्र अडानी को कितने ठेके मिले? तीसरा सवाल, प्रधानमंत्री हमें भी ये मूल मंत्र बताए जिनकी बदौलत आपका मित्र दुनिया के 609 से 8 वर्षों में दूसरे स्थान पर पहुंचकर देश का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। डॉक्टर पलक वर्मा जी, सह प्रभारी इकबाल गरेवाल जी, प्रियंका सरासर जी व प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी के निर्देशानुसार प्रदेश के प्रत्येक जिले, प्रत्येक विधानसभा में 1 लाख से अधिक पोस्ट कार्ड के माध्यम से मोदी जी से मुख्यतः 3 सवाल पूछे जाएंगे। यह 25 दिनों तक चलेगा, जिसमें मुख्यतः पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपके आधिकारिक विदेश दौरे के बाद
जगदलपुर के बस्तर जिले में पदस्थ ग्राम पंचायत के सचिवों ने शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 16 मार्च से एक सूत्री नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बता दें कि जिले के 433 ग्राम पंचायतों में ताला लटका हुआ है और सभी सचिव ने कृषि उपज मंडी में धरना कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही शासन की महत्वाकांक्षी योजना को ठप कर हड़ताल में बैठ गए। तो वही सचिवों ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तब तक हड़ताल जारी रखेंगे। शासकीयकरण और प्रांत के आह्वान पर हम 16 मार्च से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर धरना प्रदर्शन के लिए धरना स्थल पर बैठे हैं और हम सोच रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि जो भूपेश सरकार अभी की जो सरकार है, भूपेश है तो भरोसा है, अगर ये बोल रही है तो अपने इस वादे पर खरी उतरेगी ये सरकार और हमारी मांगों को जायज ठहराते हुए इस पर कोई ना कुछ विचार करेगी। विश्वाधीन अनिश्चितकालीन अनिश्चितकालीन हड़ताल है, अभी तक से शासन प्रशासन के द्वारा हमारे लिए कुछ सोचा नहीं जा रहा है। पिछले 24 तारीख को हम लोग को बरगलाने के लिए आदेश निकला था, 24 घंटा के अंदर ज्वाइनिंग करो नहीं तो दूसरे को प्रभार दिया जाएगा। इसी संबंध में हम कल उस आदेश वही। अगली खबर, जगदलपुर में माता रुक्मणी सेवा संस्था डीमार्पल के कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि माता रुक्मणी सेवा संस्थान में कार्य कर रहे कर्मचारियों को ना समय से वेतन दिया जाता है और ना ही शासन द्वारा दिए जाने वाले अनुदान की राशि का फायदा मिल रहा है। जगदलपुर में विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कोदई बुड़ी माता के निर्माणाधीन माता गुड़ी के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की मनसा अनुरूप आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। मेला मंडई हमारी आस्था के केंद्र है, आज युवा पीढ़ी आधुनिकता की दौड़ में अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए लगातार कार्य करने की आवश्यकता है। इक्थियोसिस हिस्ट्रिक्स ट्री मैन सिंड्रोम बीमारी के इससे ग्रसित जागेश्वरी के इलाज को लेकर लगातार सोशल मीडिया में पोस्ट और ट्विटर में सामाजिक संगठन ट्वीट कर रहे हैं, जिसके बाद से जिला प्रशासन ने एक बार फिर जागेश्वरी के बेहतर इलाज के लिए उसे रायपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। बता दें कि 3 साल पहले ग्राम पहरूनर हेल्थ कैंप के दौरान दुर्लभ बीमारी से पीड़ित जागेश्वरी सामने आई थी, जहाँ उसे जिला प्रशासन की पहल पर मेडिकल कॉलेज रायपुर भेजा गया था। एक्चुअली ये बीमारी जो है पूर्णतः ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन जब तक इसका मेडिकेशन और नियमित रूप से या प्रॉपर तरीके से मोशन है कुछ दवाइयाँ उनका उपयोग करेंगे तो उनके जो लक्षण है उसमें काफ़ी हद तक उसमें उसको रिलीफ मिल सकता है। पूर्व में भी उसे मेडिकल कॉलेज रायपुर एम और एमसी में उसमें भर्ती कराने के बाद में उसका ट्रीटमेंट किया जा चुका है और उसके बाद से नियमित दवाई हम लोग उस तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन वो छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।